हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्मा फैमिली ब्लॉग्स। मुझे आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो मैं आज आपके साथ कोई भी कुकिंग रेसिपी शेयर करने वाली नहीं हूँ। मैं सोच रही थी कि आज आपके साथ एक नई चीज़ों को शेयर करूँ, तो चलिए आपको मैं अपने छोटे से हरे भरे बगान का शेयर कराती हूँ। और आप आगे के वीडियो में बने रहें और देखिएगा हमारा बगान हमने कैसे सजाया है और कैसे लगाया है, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए, हमने दो बड़े यहाँ पे पेड़ लगाए हैं शो प्लांट का, और ये बहुत अच्छा से ग्रो किया हुआ है। और इधर बैक साइड में हमारा थोड़ा सा एरिया है और उसमें हम गमले में छोटे से पेड़ पौधे लगा दिए हैं। और इधर जो साइड एरिया है खाली दिख रहा है, उसमें हम कुछ वेजिटेबल्स को ग्रो करते हैं। और ये जो गलियारा गया है, ये हमारे घर का पीछे का जाने का रास्ता है। और दोनों साइड में इधर भी हमने पेड़ पौधे को लगा दिया है, और जिससे हरी भरी बनी रहती है और अच्छा लगता है देखने में। और ये हमारा हमारे घर का मेन गेट है। और साइड में हमने यहाँ पे एक बड़े गमले में एरिका पाम का पेड़ लगाया है। और बाहर से लुक जो हमारे घर का है इस तरह से दिखता है। और आप देख सक रहे होंगे यहाँ पे कि हमने जितने भी गमले में पेड़ पौधों को लगाया है वो सारे शो प्लांट ही हैं, और फ्लावर्स हम कहीं पे भी नहीं ग्रो किए हैं, क्योंकि वो सीजनली होते हैं और वो सीजन में ही उगते हैं, तो हमें फिर बाद में उसे निकालना पड़ता है। और शो प्लांट में हमें मेहनत कम लगती है और उसे धूप के बिना भी वो उगाया जा सकता है। कुछ ऐसे शो प्लांट होते हैं, तो इधर जो खाली स्थान पड़ा है उसमें भी हमने सोचा है कि उधर अगर सनलाइट नहीं पड़ती है तो उधर हम शो प्लांट ही ग्रो करेंगे। और इधर जो है केला का पेड़ लगा हुआ है, आप इधर से देख सकते हैं। और आपको ये जो दिख रहा है छोटा सा पेड़ आम का, इसमें भी आम फलता है, जब सीजन आएगा तो फलेगा, आपको ज़रूर शेयर करूँगी। तो इस तरह से लुक दिखता है हमारे घर का बाहर का बगान का। और यहाँ पे हमने लगाया है एक गुड़हल का फूल का पौधा, जिसे हम रोज़ यानी कि डेली पूजा पाठ करते हैं तोड़ करके, और भगवान जी को फूल अर्पित करते हैं। आपको फिर से हम यहाँ पे केला का खांदी दिखा दे रहे हैं कि यहाँ केला पकने शुरू हो गए हैं, और इसे हम इसी तरह पेड़ में ही छोड़ देंगे, क्योंकि ये इसी में अगर पक जाएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ अपना अमरूद का पेड़, जो हमारे घर के एकदम सामने हमने लगाया है, और इसमें बहुत सारा अमरूद फला हुआ है। बहुत बड़ा बड़ा फलता है और खाने में भी ये बहुत अच्छा लगता है, और ये सालों भर इस अमरूद का पेड़ में अमरूद फलता है। ये देखिए, ये देखिए, ये पौधा बहुत ही सुंदर लगता है देखने में, एकदम रानी कलर जो नहीं होता है उस कलर में ये सिर्फ पत्ते इसके होते हैं, और देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। और ये पौधा जो हम आपको दिखा रहे हैं, इसे थूजा मोरपंखी या क्रिसमस पौधा भी कहा जाता है, और कहा जाता है कि इसे जोड़ा में ही लगाना चाहिए, क्योंकि ये जोड़ा में जब लगते हैं तो बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमारा दोनों पौधा हमने जोड़ा में ही लगाया है, और
और इधर तो मेन गेट के सामने वाला जो पौधा है वो अभी दिखा रही हूँ मैं। और आपको थोड़ा सा हम अपना गेट के बाहर का लुक दिखा देती हूँ। यहाँ पे मार्केट है और अभी 2 बज रहे हैं जिसके कारण सारी मार्केट की सारी दुकानें बंद पड़ी हुई है। 4 बजे या 5 बजे से खुलेंगी सारी दुकानें। तो इस तरह से है हमारा घर का आगे का लुक। ये देखिए हमारे ही ग्रिल घर में जो लगा हुआ है उसके बगल नहीं गिरे। और एकदम ग्रिल के जस्ट सामने एक बड़ा सा आम का पेड़ है और इसमें बहुत सारा आम फलता है जब गर्मी का मौसम आता है तो। और जब इसमें फलेंगे आम तो आपके साथ मैं शेयर करूंगी। और तो इस तरह से है हमारा घर का छोटा मोटा हरा भरा बगान। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें फ्रेंड्स। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको हमारा ये छोटा सा बगान आपको कैसा लगा।